उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड का उधम सिंह नगर अपराधियों का गढ़ बनता चला जा रहा है। जहां यूपी बाबा के डर से अपराध मुक्त हो चला जा रहा है, तो वहीं यूपी बॉर्डर से सटा उधम सिंह नगर में अपराधियों की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है। यहां अपराधियों में ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का, जिसका नतीजा ये है कि एक के बाद एक आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ वो सब हो रहा है जो यूपी में होता था, हत्या, बलात्कार, लूट, सब इधर हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जब पुलिस किसी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हो। दरअसल 15 मई को काशीपुर में पुलिस को एक महिला का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। जब पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटके मिले शव के मामले का खुलासा कर दिया, पुलिस ने हत्या में शामिल हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार महिला मुन्नी देवी सुबह 8 बजे अपने खेत में चारा काटने के लिए गई थी। काफी देर हो जाने के बाद वह घर नहीं आई तो परिवार वालों ने छानबीन की। छानबीन में मुन्नी देवी का शव आम के बाग में पेड़ से लटका हुआ मिला। इसके बाद मृतका के परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की प्राथमिक जांच में मुन्नी देवी को उसी की घास ले जाने वाली पल्ली की रस्सी से गला घोटकर उसी की साड़ी से शव को आम की टहनी पर टांगा गया था। पुलिस को घटनास्थल से करीब 13-14 कदम दूर मृतका की टूटी चूड़ियां भी मिली थी, जिससे प्रतीत हो रहा था कि मृतका की किसी से हाथापाई हुई होगी। घटनास्थल के पास ही मृतका की दराती पड़ी हुई थी जिस पर खून के निशान लगे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले में मुकदमा दर्ज कराते हुए मामले के खुलासे के लिए 5 अलग अलग टीमों का गठन किया था, जिसके बाद पुलिस टीम ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और टीम ने बहुत अच्छा वर्क करा। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, 15 मई को लगभग 12 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भगवंतपुर में आम के बाग में एक महिला का शव मिला है। तो तुरंत काशीपुर थाने की टीम ने वहां पे पहुंच के इसका मौका मुआयना किया और इसमें जो देखा गया कि महिला की मृत्यु जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पेड़ को लटका कर इसकी हत्या करने का प्रयास, मतलब हत्या की गई है। तो इसमें 16 तारीख को हमें नागेंद्र कुमार यादव जो महिला के पुत्र थे उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई। इसमें तुरंत 243/23 FIR संख्या हमने पंजीकृत किया। धारा 302 और 201 में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ। चूँकि यह ब्लाइंड मर्डर था, इसके लिए इसमें काफ़ी सारे प्रयास करने पड़े। इसीलिए SSP महोदय द्वारा इसमें तुरंत निर्देश दिए गए और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में इसमें 5 टीमें अलग अलग कामों के लिए गठित की गई, जिसमें काशीपुर थाने की टीम और SOJ की भी सहायता ली गई। और इन 5 टीमों ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हुए सभी संदिग्धों को टटोला, काफ़ी ग्रामीणों से पूछताछ की, टेक्निकल इनपुट्स भी देखे और इन सभी प्रयासों से हमने जो है अभियुक्त मनोज सिंह, ये जो ग्राम धनौरी प्रतापपुर का रहने वाला है, उम्र लगभग 22 साल है, इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी मृतक महिला को बचपन से जानता था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मृतका के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। जब महिला ने विरोध किया तो उसने उसे जान से ही मार दिया। पंजाब केसरी TV के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।